फेज सेवन जो है इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, पोजिशन फेज है। तकरीबन एक साल पहले ये वाई ब्लॉक में 5 मरला कम्युनिटी आई है और बहुत तेजी से यहाँ पर अब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। यहाँ पर आपको मजीद 7 मरला के प्लॉट्स भी मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़याब और मैं स्पेशली डील करता हूँ DHL लाहौर फेज 7 को हावर प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से। आज हम आपको इन डिटेल गाइड करेंगे फेज 7 के रिगार्डिंग। DHA में फेज 7 में आप 5 मरला का जो प्लॉट है वो ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिलियन के बजट रेंज में। 40-50 से 55 लाख रुपए के इन बिटवीन जो है आपको 5 मरला प्लॉट कैटेगरी अवेलेबल होती है फेज 7 के वाई ब्लॉक में। और सबसे पहले हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं DHA का। फेज 7 जो है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं, पोजिशन फेज है ऑलमोस्ट, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको घर बनने को देखने को मिलते हैं। अमेनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, कमर्शियल एरिया है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और 5 मरला जो प्लॉट्स हैं ये आपको वाई ब्लॉक में, वाई ब्लॉक की एक्सटेंशन में मिलते हैं, ये BRB के दूसरी तरफ हैं। तो 5 मरला प्लॉट जो हैं आपको ऑन द मैप आप सेलेक्ट करते हैं और इनकी जो प्राइसेस हैं, प्राइस रेंज स्टार्ट होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मिलियन यानी 40 लाख रुपए से लेकर, और मैक्सिमम जो प्राइस है वो अराउंड 6 और 6.5 मिलियन, 60-65 लाख रुपए का जो है वो मैक्सिमम प्लॉट प्राइस है। सो 40 लाख रुपए से लेकर 60-62-65 लाख रुपए तक की जो प्राइस वेरिएशन है ये डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट है, और अदरवाइज पोजेशन स्टेटस वेरी नहीं करता क्योंकि तमाम का तमाम जो वाई ब्लॉक का 5 मरला जो कैटेगरी है ये नॉन पोजेशन है। अभी करंटली अगर आप इसमें प्लॉट लेते हैं तो आप ऑन द मैप जो है वो अपने प्लॉट की जो है वो बैलेट सेलेक्ट करते हैं और फिर आपको रीसेल में जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ऑन द मैप आप अपने प्लॉट की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और फिर आप उसको अपने कॉस्ट ऑफ लैंड जो प्राइस है वो पे करके अपने नाम पर प्लॉट ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर आप उसका जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो पे करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है DHA की तरफ से कि 5 मरला न्यू कटिंग आई है। पिछले 8-10 माह पहले जो है, तकरीबन एक साल पहले ये वाई ब्लॉक में 5 मरला कम्युनिटी आई है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर अब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। पिछले काफ़ी अरसे से हमने देखा कि डेवलपमेंट रुकी हुई थी, फिर बीच में शुरू हुई, फिर रुक गई, अब फिर दोबारा DHA ने काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट शुरू की है। होप्स हो कि ये डेवलपमेंट जो है वो इसी तरह कॉन्स्टेंटली होती रहेगी। अगर इसी तरह कॉन्स्टेंटली होती रहेगी तो उम्मीद है कि इसका जो पोजिशन है वो विद इन आप कह लें कि 1.5-2 साल में इसका पोजिशन आ सकता है, लेकिन करेंटली इट्स नॉट पोजिशन फॉर नाउ। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, और पिछले हमने जब ये बेलेटिंग इसकी हुई थी तो देखा था कि काफ़ी देर तक जो है वो प्लॉट्स का, इन प्लॉट्स का बायर मार्केट में स्टैंड नहीं हुआ था, लेकिन अब इसमें बायर जो है पोटेंशियल है वो आया है और सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, बायर प्रेशर थोड़ा बढ़ा है, यानी ट्रांजेक्शन जो है वो बनाना थोड़ा आसान हो गई है। तो अगर आप DHA में 5 मरला प्लॉट लेना चाहते हैं, इन द फ्यूचर उस पर घर बनाना चाहते हैं या एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको देख रहे हैं, सो फेज 7 वाई ब्लॉक 5 मरला कैटेगरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और 5 मिलियन के माइनस प्लस में आपको एक बेहतरीन 5 मरला का प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको मजीद 7 मरला के प्लॉट्स भी मिलते हैं और उनकी जो प्राइस है वो ऑब्वियसली जो 5 मरला है इनसे 2-2.5 मिलियन की प्राइजेस से 2 मिलियन जो है वो 1.5-2 मिलियन इंक्रीज होता है क्योंकि उसमें 2 मरला आपको एक्स्ट्रा मिलता है और डेवलपमेंट चार्जेस भी उसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन 5 मरला में आपको अराउंड 1.3 मिलियन DC जो है वो DHA को पे करना पड़ता है लम सम ऑन द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द ट्रांसफर डे। और ये DHA फेज 7 की अपडेट्स थी 5 मरला के हवाले से। अगर आप ऑन ग्राउंड देखते हैं 5 मरला तो आपको 1.5 करोड़ रुपये में मिलता है और सिर्फ टी ब्लॉक में लेस देन 100 प्लॉट्स हैं। तो अगर आप ये लेते हैं 5 मिलियन 6 मिलियन में तो इन द फ्यूचर जो है वो इसकी भी ग्रोथ 1 करोड़ तक जा सकती है। सुपरवर्स, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो DHA लाहौर में किसी भी चैप्टर, किसी भी फेज़ के हवाले से, स्पेशली फेज 7 में वाई ब्लॉक 5 मरला प्लॉट कैटेगरी से इन बाइंग और सेलिंग, आप मेरे दिए गए सेल्फोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इट्स 0305-888-1911। मोहम्मद फैज़याब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।